हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडीज। तो आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, जो कि है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो हमारा ये जो टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ना डीप स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना आपको इंडिया के कॉलोनियल पीरियड को मिलाकर थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म जो टॉपिक है, उसमें हम इंपीरियलिज्म जो भावना थी, आइडियोलॉजी थी, उसको नेशनलिज्म आइडियोलॉजी से मिलाकर पढ़ेंगे। इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी का मतलब है कि दूसरे जगहों पे कंट्रोल करना बाय यूजिंग वेपन्स एंड टूल्स, मतलब कि वेपन्स का, बेसिकली वेपन्स का यूज करके आप वॉर्स करके दूसरे जगहों को जीतते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब जब वो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट से जुड़ना शुरू हुआ, तब उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म की भावना में चेंज आना शुरू हुआ। तो नेशनलिज्म की भावना में किस तरह से चेंज आना शुरू हुआ कि वो अपनी आइडियोलॉजी, जो कि एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी थी, उससे उसकी रास्ता थोड़ा सा बदलने लगा। वो लोगों के गोल्स तक तो थी, पर लोगों के साथ साथ लोगों के जो रूलर थे उनकी उनके गोल्स पे ज्यादा, उनके गोल्स के हिसाब से ज्यादा चले गए लोगों के बजाय, ठीक है। तो ये सारा चेंज आया, एक नैरो रास्ते पे चलने लगा। अब जैसे देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बेसिकली ये प्रिंसिपल होना चाहिए, ये ऐसा ही सोच होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा एक्सपैंड कर सके अपनी सोच को, एरिया के बेसिस पे नहीं बोला, सोच को एक्सपैंड करके हमको यहाँ पर चलना है। लेकिन वही जब हम नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट में जब चेंज आया, तब जो एक नैरो पाथ के लिए इन गोल्स को हमको पूरा करना है, और इन गोल्स को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वॉर्स भी लड़ेंगे और प्लस वेपन्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब आप भले ही कोई काम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, बट उससे दूसरों का तो बुरा हो रहा है ना, आप अपनी अच्छाई के लिए दूसरों का बुरा कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट में जब चेंज आना शुरू हुआ, कब से? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 1880 के बाद वाला या 1870 के बाद वाले पीरियड में चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। लास्ट क्वार्टर यानी 1870 के बाद 75 के बाद वाला पीरियड से कह सकते हैं इसको लगभग। उससे पहले जो था नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट, उससे पहले जो था वो था डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे बेस्ड। अब जो हो गया वो बेसिकली गोल्स पे ज्यादा निर्भर करता था कि गोल्स क्या है लोगों के, बस उन गोल्स को बस हमको पूरा करना है, उनके जो रूलर्स हैं उनके गोल्स को बस फुलफिल करना है, ठीक है, बाय यूजिंग एनी मींस, एनी वेपन्स, वॉर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप्स became intolerant of each other during this period and were ready to go on wars. अब देखिए, अब nationalist groups क्या हुए, intolerant होने लगे, बर्दाश्त के बाहर होने लगे, कि वो मतलब कुछ मतलब अपने goals को fulfill करने के लिए लगभग कुछ भी करने के लिए तैयार थे इस period में, यहाँ तक कि वो wars के लिए भी जाने को तैयार थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो हुआ ना, manipulate करना शुरू किए नेशनलिस्ट ग्रुप के लीडर्स जो थे, नेशनलिस्टिक ग्रुप के लीडर्स जो थे, और प्लस उस जगह के जो लीडर्स थे, वो देखे कि अच्छा ठीक है, तुम नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी रखो ना, अब हम तुम्हारे आइडियोलॉजी में ही मैनिपुलेशन लाकर अपनी बात तुमसे मनवाएंगे, भले ही तुमको लगे कि तुम अपनी काम अपने ही बात को कर रहे हो, लेकिन तुम इनडायरेक्टली मेरे काम को करोगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपको अगर किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो आप निकलवा ही लेते हैं, भले वो उसको लगे कि वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, उस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, नेशनलिस्टिक मैनिपुलेट करना शुरू किया उनके एस्पिरेशंस को, यानी कि उनके गोल्स को, कि उनके गोल्स को बेसिकली अपने गोल्स से लिंक किया, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे गोल्स होने चाहिए, यानी उनके गोल्स को उनको नहीं बता के अपने गोल्स को उनके ऊपर थोपा एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो जैसे कि अब देखिए इतना सारा जो बदलाव आया, इसे क्या हो कि अब नेशनलिस्टिक ग्रुप्स जो थे वो एक दूसरे के लिए भी मतलब नहीं अच्छे से बिहेव करते थे। एक नेशनलिस्टिक ग्रुप दूसरे नेशनलिस्टिक ग्रुप से, दूसरे नेशन के नेशन स्टेट से एक नेशन स्टेट, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी भावना नहीं रखता था, मतलब एक दूसरे से बहुत जल्दी वॉर करने के लिए शुरू हो जाते थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं
एक नेशन स्टेट हूँ, दूसरा मेरा कोई दोस्त है वो एक दूसरा नेशन स्टेट है, तो मैं अगर वो मुझे थोड़ा सा भी कुछ कह देगा तो मैं तुरंत हर्ट हो जाऊंगा और फिर उससे वॉर कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं तो अब इससे क्या हुआ कि देखिए बहुत ज्यादा इससे टेंशन का भावना बनना शुरू हुआ। टेंशन का भावना मतलब कि बहुत ज्यादा दो स्टेट्स के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी झगड़ा कोई करने लगता, तो टेंशन क्रिएट होता है माहौल वही। अब सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ था बाल्कन वाले रीजन में। अब बाल्कन क्या था मतलब वहां पे देखिए बाल्कन एक बहुत सारे छोटे छोटे नेशन स्टेट्स को मिलाकर बाल्कन एक एरिया बना था, ठीक है, जिसके मेजर पार्ट पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था, ऑटोमन एम्पायर का रूल था, ठीक है, लेकिन 19 सेंचुरी से पहले 19 सेंचुरी तक लगभग रूल था। 1871 से क्या हुआ यहाँ पे टेंशन बढ़ना चालू हुआ, 1871 लास्ट क्वार्टर के लगभग, उसके बाद से वहां पे टेंशन क्रिएट होना चालू हुआ। अब टेंशन जो क्रिएट होना चालू हुआ उसके चलते क्या हुआ कि वहां पे जो छोटे छोटे नेशंस थे जैसे रोमानिया जैसे अलग अलग नेशंस जो थे वो सब अलग होना चालू हुए, ठीक है। लास्ट में वीडियो के एंड में आपको सारे नेशंस का लिस्ट दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उन्हें याद कर सकते हैं। ऐसे में अभी आपको बता देता हूँ कुछ कुछ नेशंस रोमानिया अल्बेनिया ऐसे बहुत सारे नेशंस थे वो अलग होना चालू हुए, ठीक है। अब देखिए ऑटोमन एम्पायर जो कि बाल्कन पे रूल कर रहा है वो पहले टर्की पे भी रूल कर रहा है, ठीक है, टर्की नहीं मतलब सॉरी वहाँ वो टर्की का है और वो ग्रीक पे रूल कर रहा था, वो जो ग्रीक वाला जो हम लोग पढ़े थे ना यूनिफिकेशन वो इसी से था, ऑटोमन एम्पायर से ही यूनिफाई किया गया था वापस, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर को वहां से भगाया गया था, वहां पर तो उसका कंट्रोल था 15 सेंचुरी से, बाल्कन बेसिकली उसी का रीजन था, ऑटोमन एम्पायर का बहुत इम्पोर्टेंट रीजन था, ठीक है। अब देखिए बाल्कन्स जो थे बाल्कन्स जो रीजन का नाम था वहां पर के जो लोग थे उन्हें स्लैब्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था स्लैब्स, ठीक है। वे स्लैब्स अब क्या हुए कि अब वे सोचे कि नहीं अब हम लोग को अपना अलग नेशन चाहिए, अपनी अलग नेशनल आइडेंटिटी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया पुरानी हिस्ट्रीज को सामने लाने की कोशिश की और फिर अपने अलग अलग नेशंस की डिमांड करना शुरू किया। लेकिन फिर भी ऑटोमन एम्पायर ने ट्राई करते रहे 19 सेंचुरी तक कि हम अपने रूल को बनाए रखें, बट एट द एंड स्लेव्स ने कहा कि नहीं हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, और फिर अपने अपने नेशंस में बढ़ गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाल्कन विजन कैसा था 19 सेंचुरी से पहले और 19 सेंचुरी के बाद, ठीक है। 19 सेंचुरी से पहले बाल्कन रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे नेशन स्टेट्स थे, किसके तो थे यूरोप में ही बेसिकली बाल्कन रीजन था, यूरोप के अच्छे पार्ट के बाल्कन रीजन था, अच्छे अच्छे स्टेट्स को बाल्कन रीजन के अंदर रखा गया था। अब देखिए 19 सेंचुरी से पहले उस पूरे रीजन के बहुत बड़े पार्ट को ऑटोमन एम्पायर का राज था, बट 19 सेंचुरी के बाद क्या हुआ 19 सेंचुरी से क्या हुआ 19 सेंचुरी से लगभग इसका बाल्कन रीजन का कंट्रोल खत्म होना चालू हुआ और वहां पर अलग अलग नेशंस बने, अलग अलग छोटे छोटे नेशनल आइडेंटिटीज वाले नेशंस बने, ठीक है। अब क्या हुआ कि 19 सेंचुरी से पहले क्या था कि सब पे एक का कंट्रोल था तो सब एक दूसरे से उतना ज्यादा झगड़ा नहीं करते थे, बट अब क्या हुआ कि स्लेव्स अपनी फ्रीडम का डिमांड कर रहे थे, स्लेव्स अपनी आइडेंटिटी का भी डिमांड कर रहे थे, बट उसी के साथ साथ अब जो दो अलग अलग नेशंस बनेंगे तो वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से वॉर तक कर लेते थे, ठीक है, अपना एरिया को एक्सपैंड करने के लिए भी बहुत बड़ा वॉर कर लेते थे। अब उसी वॉर के बीच में यूरोप के बहुत माइटी पावर्स वाले लोग जो थे कंट्रीज जो थी, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग उससे पहले थोड़ा सा पहले के पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर ट्रेड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड एनर्जी माइन, देखिए इसी पीरियड में यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड और कॉलोनीज के बीच के लिए झगड़ा होना चालू हुआ। अब देखिए यहाँ पर से जब 19 सेंचुरी से हमने पढ़ना शुरू किया कि 19 सेंचुरी से यूरोपियन कंट्रीज ने इंपीरियलिज्म की भावना में कन्वर्ट होना चालू हुआ उनके नेशनलिज्म की भावना को, तो तब से क्या हुआ कि वो लोग कॉलोनीज फॉर्म करना चालू किए थे कि ये ब्रिटिश कॉलोनी है यहाँ जब ब्रिटिश का रूल है, ठीक है। तो जैसे अब हम यहाँ पे इंडिया से लिंक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंडिया को कैसे लिंक करेंगे कि ब्रिटेन का देखिए रूल कहाँ था, इंडिया में था, तो वो इंडिया जो था इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी और इंडिया में 19 सेंचुरी से राज चल रहा है ब्रिटेन का, ठीक है। 19 सेंचुरी से या पहले भी हो सकता है, मुझे डेटा उतना अच्छा से याद तो नहीं है,
बट फिर भी मैं जैसा बता रहा हूँ तो वहां पर रूल था किसका, तो इंग्लैंड का रूल था, ब्रिटेन का रूल था बेसिकली, ग्रेट ब्रिटेन। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो आप उसे जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर कंट्रोल हो गया इंडिया पे और कॉलोनी बन गई। अब उसी कॉलोनी में अब जब स्टार्टिंग था ना, तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग कंट्री से ट्रेड होता था, फ्रेंच ट्रेड, फ्रेंच लोग ट्रेड करते थे, पोर्टुगीज नेशन के लोग ट्रेड करते थे और ब्रिटिश भी करने लगे। तो क्या हो, इन लोग तीनों अपना अपना कॉलोनी तीनों क्या किए थे, स्टार्टिंग में इंडिया कुछ रीजन पे कंट्रोल किए थे। अब ब्रिटिश वाले ट्राई किए कि पोर्टुगीज और फ्रेंच वाले पे कंट्रोल करें, जैसे क्या हो इन तीनों में झगड़ा हुआ, तो यही झगड़ा का यहाँ पे इंटेंस राइवलरी का नाम दिया है इन दिस पीरियड ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, यानी कॉलोनीज के नाम पर, ठीक है। और ट्रेड के नाम पर कैसे, तो इंडिया से जो वो लोग सामान जाते थे उस पे ट्रेड के नाम पर, या फिर और दूसरे दूसरे, देखिए सिर्फ इंडिया का मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज थे, तो उन सब के ट्रेड के लिए अलग अलग यूरोपियन पावर्स में झगड़ा होना चालू हुआ, ठीक है। अब वो झगड़ा जो था वहां पर बाल्कन रीजन में जो झगड़ा चल रहा था, उसका फायदा कैसे लोग उठा रहे हैं, उसका फायदा कैसे बड़ी बड़ी माइटी पावर्स उठा रही थी। तो वहां पर जैसे यूरोप में जो माइटी पावर्स थे वो थे जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब सोचे कि अब बाल्कन रीजन में ना टूट रहे हैं लोग, एरिया टूट रहा है, बड़ा एरिया है, कंट्रोल करते हैं, अपना एरिया एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि कॉलोनी बनाने का उस समय चल रहा था ट्रेंड। तो चारों ने सोचा, चारों में से सब ने सोचा कि हम कंट्रोल करेंगे, तो जर्मनी गया, रशिया गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रो हंगरी गया, सब ट्राई किए। अब तब सबके बीच में झगड़ा हो गया, नहीं हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों के झगड़े के बीच में ये लोग अपना झगड़ा शुरू कर दिए। अब देखिए तो उसी में हम पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो पावर्स लाइक जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वेर कीन ऑन कंक्वरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सपेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। दिस काउज अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन दिस रीजन एंड इवेंचुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। और इसी में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इंपीरियलिज्म की भावना के खिलाफ और एंटी इंपीरियल ग्रुप्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म की भावना का डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म की भावना का डिस्ट्रक्शन हुआ और इंपीरियलिस्ट भावना के खिलाफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट चालू हुआ, बट नेशनलिस्ट भावना अभी भी वैसी शुरुआत की नेशनलिस्ट भावना की तरह देखी जाती है, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, बट वो एक नेचुरल भावना है, वो बहुत अच्छी भावना है, इसलिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए नेशनलिस्ट भावना में कितना अच्छा से लोग सोचे कि हम लोग को यूनिटी रखना होगा, हम लोग एक होकर रहते हैं तब ज्यादा अच्छा है, एकता में बल है, आपने जैसा जानते होंगे कि एकता में बल है, ठीक है, तो यूनिटी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक सब खत्म हुआ, और चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यही चैप्टर आपको आगे भी हेल्प करेगा अगर आप पार्ट्स लेंगे तो, और ऐसे भी अच्छे से समझना चाहिए, कोई भी चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग फोकस स्टडीज। और अगर आपको कोई चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, सो पूछिए, हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकें। और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक नहीं करते हैं आप लोग हमारे वीडियोज को, तो लाइक भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फोकस स्टडीज।